मैंने आपके साथ कितनी सारी इंडो चाइनीज रेसिपीज शेयर की हैं, वेज फ्राइड राइस, चिली चिकन, पनीर मंचूरियन, चिली पनीर, लेकिन एक रेसिपी जो है वो रह गई है। किसी ने मुझसे कहा कि पंकज जी, आपने अभी तक अपनी वेज मंचूरियन की रेसिपी हमारे साथ शेयर नहीं की है। हमने कहा हाँ भाई, ये तो है, यही रह गया है। तो चलिए आज आपके साथ वेज मंचूरियन की रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। वेज मंचूरियन बेसिकली एक शुद्ध हिंदुस्तानी डिश है और इसका जन्म भी कोलकाता में हुआ। तो चलिए बनाते हैं ये वेज मंचूरियन। बेसिकली कोफ्ता बॉल्स हैं जिन्हें एक मंचूरियन ग्रेवी में हम ऐड करते हैं। तो ये कोफ्ता बॉल्स बनाने के लिए कैबेज, कैरेट, बीन्स, सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है। सो आई एम टेकिंग अ कप ऑफ फाइनली चॉप्ड कैबेज। इतना फाइन चॉप करने के लिए आप चाहें तो इसे अपने चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। और अब ये कैरेट, इसी के साथ ये बारीक कटे हुए बीन्स भी, इनको सबको डालिए चॉपर में और बस चॉप कर दीजिए। इसके साथ ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सॉल्ट और पेपर भी, अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ पेपर पाउडर। और इसके साथ ऐड करेंगे इसमें मैदा, 3 टेबलस्पून में इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक और 1 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन भी। राइट, नाउ जस्ट मिक्स दीज अप। और इनको बाइंड करके इनके हम कोफ्ते बना लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा, आपने जो नमक डाला है ना उसकी वजह से ये वेजिटेबल्स थोड़ा पानी छोड़ेंगी और उसी से ये बाइंड भी हो जाएंगे। सो जस्ट लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स एंड दैट्स इट। सो वंस यू हैव अ डो लाइक दिस रेडी, वील मेक स्मॉल बॉल्स आउट ऑफ दिस। और उसके लिए मैं क्या करती हूँ, 1 टेबलस्पून को थोड़ा सा डस्ट कर लेती हूँ और ऐसे, यू नो, 1 टेबलस्पून डो अपने हाथ में लेती हूँ एंड देन मेक राउंड बॉल्स विद दिस लाइक दिस। सो वंस दीज मंचूरियन बॉल्स आर रेडी, हम इसको फ्राई करेंगे। और याद है ना, डालेंगे तो गरम तेल में लेकिन उसके बाद उसकी हीट को रिड्यूस कर देंगे ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इसको फ्राई करने डालने के बाद 30 सेकेंड तक आप इसे छूइएगा नहीं, जब तक ये बाहर से क्रिस्प नहीं हो जाता। एंड वंस दैट हैपेंस, आप अपने स्पून के बैक से इसको बस नज कर दीजिए ताकि ये रोल कर जाए और हर तरफ से अच्छे से पके। So once these are a nice golden color like this, इसे हम रिमूव कर लेंगे। So these are our Manchurian balls ready. आप कह सकते हैं कि मिक्स वेजिटेबल के कोफ्ताज भी है ये। और अब इन्हें डालेंगे हम एक मंचूरियन सॉस में। आप चाहें तो इसे ड्राई मंचूरियन बना सकते हैं स्नैक की तरह, या फिर ग्रेवी वाला मंचूरियन बना सकते हैं जो कि एक मेन कोर्स की तरह से सर्व किया जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसकी मंचूरियन सॉस। तो मंचूरियन सॉस बनाने के लिए पहले एक कॉर्न स्लरी बनाते हैं। इसके लिए 1 टेबलस्पून सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, और इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, पेपर पाउडर, सोया सॉस और विनेगर।
एंड इसमें डालेंगे हम टमेटो केचप भी। ये देगा इसको एक बहुत ही नाइस स्वीट सार अच्छा सा एक टेस्ट। और अब इसमें ऐड करेंगे एक कप पानी और इसकी स्लरी बना लेंगे। सो ये स्लरी प्रिपेयर करके हम रख लेंगे। एंड नाउ टू माय पैन आई एम एडिंग अ टेबलस्पून ऑफ ऑयल। और इस ऑयल को बहुत अच्छे से आप गर्म हो जाने दीजिए, यू नो, नाइस एंड प्रॉपर। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, डालेंगे इसमें एक टीस्पून जिंजर और एक टीस्पून गार्लिक भी। और इनको भी कलर हो जाने दीजिए, अच्छे से फ्रेग्रेंट हो जाने दीजिए। बहुत लोग इसमें फाइन चॉप किए हुए अनियंस भी डालते हैं, आई डोंट, मुझे बस ऐसे ही पसंद है। सो वंस द जिंजर एंड गार्लिक अक्वायर अ नाइस गोल्डन कलर लाइक दिस, हम इसमें ऐड कर देंगे अपने मंचूरियन बॉल्स और अब इस पे ऐड कर देंगे अपनी कॉर्न स्लरी। इन्हें कुक कर लीजिए जब तक कि आपकी स्लरी अच्छे से गाढ़ी हो जाए एंड इट विल एक्वायर अ नाइस ग्लेज एज वेल। दैट्स इट, हो गया। एंड नाउ टाइम टू गेट इट आउट ऑन अ प्लेट। गार्निश करेंगे इसे कुछ फाइन चॉप किए हुए स्प्रिंग अनियंस के साथ। एंड दैट्स इट, वेज मंचूरियन रेडी। अब आप इसे एंजॉय कीजिए अपने वेज फ्राइड राइस के साथ, हक्का नूडल्स के साथ, या जस्ट लाइक दैट एज अ स्नैक एज वेल। ये बताइए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो जल्दी कीजिए ताकि मैं शेयर कर सकूँ आपके साथ कुछ ऐसी ही बेहतरीन सी रेसिपीज। और हाँ, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं ना तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत।